हमारे बिजनेस में कस्टमर फोकस गोल्स मतलब ग्राहक केंद्रित लक्ष्य कौन से होने चाहिए जिससे हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। कस्टमर फोकस गोल में होना चाहिए कि वे समय पे हम हमारा माल दे रहे या डिलीवरी दे रहे या सर्विस दे रहे, समय पे दे रहे, जो समय पे बोला समय पे डिलीवरी दे रहे। दूसरा, ग्राहक को जोड़ के रख रहे है ना, और ग्राहक को रिटेन करना, मतलब जो ग्राहक अपने पास में है वो ग्राहक अपने पास में कायम रहना चाहिए, वो ग्राहक ने अपने पास में बार 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 माल खरीदना चाहिए, हमारे रिश्ते में रहना चाहिए, हमारे पास में बार 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 आना चाहिए। फिर तीसरा, जो अभी के ग्राहक है उनको ज्यादा माल बिकना है, जो माल वो ले रहे उससे कहीं गुना ज्यादा माल देने का, मतलब उनको ये एहसास दिलाना है, विश्वास दिलाना है कि भाई उनको बाकी भी मेरे पास में जो माल है उसकी जरूरत है। जो फॉर एग्जाम्पल समझो अभी पिज्जा के लिए समझो कस्टमर डोमिनोज में आता है और बोलता है कि मेरे को स्मॉल पिज्जा होना है, तो हमने उसको लार्जेस्ट साइज जो पिज्जा है वो हम बेच सकना चाहिए, आया स्मॉल पिज्जा के लिए हमने उसको लार्ज पिज्जा बेच दिया, मतलब ज्यादा माल ले रहा है, तो वो हमें देखना है कि हम ज्यादा माल कैसा बेच सके जो कस्टमर है उसको ही। फिर नेक्स्ट, नई नई जो मार्केट जो है, नई मार्केट, तो नए मार्केट में जाना चाहिए, मैंने नया मार्केट ढूंढना चाहिए, नया मार्केट क्या है, समझो मैं अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी मैंने देखना चाहिए कि मेरा नया मार्केट में और नागपुर का मैं कहाँ से चालू करूँ, तो मेरा नया मार्केट हो सकता है कि जो अभी मैं ड्रेनेज कर रहा हूँ, जो ड्रेन कर रहा हूँ, जो कस्टमर मेरे को जो जियोग्राफिकल एरिया से आ रहे उसे भी नए मार्केट में नए जगह में जाके मेरा बिजनेस कर रहा हूँ और ज्यादा। फिर नेक्स्ट, नया ग्राहक ढूंढना, जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, अभी जो मार्केट है, अभी जो बाजार है मेरा, अभी जो ग्राहक है, अभी उसमें नए ग्राहक ढूंढना है, मतलब अभी समझो 10 लाख की पॉपुलेशन है उसमें मेरे 10,000 ग्राहक है, तो 10,000 ग्राहक है 10 लाख की पॉपुलेशन में, बाकी कहाँ जा रहे हैं, तो बाकी भी ग्राहक और कहीं जा रहे हैं, तो बाकी ग्राहकों को मेरी तरफ आकर्षित करना और नए ग्राहक मेरे तरफ लाना है, तो वो मैं करना चाहिए, वो मेरा लक्ष्य होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है नयापन लाना चाहिए, मैंने न्यू मार्केट नहीं समथिंग न्यू, मतलब जो अभी मेरा चालू है उसमें कुछ तो भी मैं नया ला रहा हूँ तो फिर लोग मेरी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, वही 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 मैं काम यदि करता हूँ तो नहीं होगा। आपने मारुति का देखा हुआ है कि हर बार नई 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 गाड़ियां लाते रहते, मोबाइल्स का कुछ तो भी नया नया लाते हैं, थोड़ा सा कैमरा का बदल दिया, थोड़ा मतलब कैमरा का लुमिनेशन बदल दिया, मोबाइल में थोड़ा फर्क कर दिया और नया मोबाइल ला ली, कुछ तो भी नया लाते हर बार, नयापन लाते। फिर क्वालिटी जो है वो अच्छे क्वालिटी, क्वालिटी में बहुत सुधार लाना, और जो क्वालिटी हम दे रहे हैं वही कीमत में हम अच्छी क्वालिटी का माल दे रहे, अच्छी सर्विस दे रहे, क्वालिटी सर्विस दे रहे, तो वो एक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हो सकता। और नेक्स्ट, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, समाधान होना, और वो मैं कैसे कर सकता हूँ उसके लिए मेरे गोल्स पक्के होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फिर से मैं दोहराता हूँ, नंबर एक, समय पे मेरी सर्विसेज देना, नंबर दो, जो मेरे ग्राहक है उनको जोड़ के रखना है, रिटेन करने का है, नंबर तीन, जो अभी ग्राहक है उनको ही ज्यादा माल मैंने बेचना है, नंबर चार, नया बाजार जो नया मार्केट मैंने ढूंढने का है, नए मार्केट में जाने का है, नंबर पांच, मार्केट जो है उसमें नए ग्राहक मैंने ढूंढने का है, नंबर छह, नयापन मैंने लाने का, नंबर सात, क्वालिटी मेरी कैसे सुधरती है वो क्वालिटी ज्यादा अच्छी क्वालिटी मैंने देना चाहिए, नंबर आठ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर फुलफिलमेंट, कस्टमर का समाधान, कस्टमर की संतुष्टि, वो मैंने देखना चाहिए। तो ये हम कस्टमर फोकस गोली से पूरा कस्टमर फोकस है वो जो मैं करता हूँ तो हमारा बिजनेस अच्छा बढ़ सकता है और प्रॉब्लम आएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच।